देखो कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी लग रही है। तो ये देखो गाइस हम लोग कैसे गिरा रहे हैं इसमें काले काले से। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब, वेलकम टू माय चैनल, स्वागत है आपका सपना की स्मॉल फैमिली में। मैं ऐसा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो गए, हम लोग भी अच्छे हैं गाइस, और जय माता दी। तो गाइस फिर आज बादल है और थोड़ा नहीं है, पूरे में छाया हुआ है, जैसे कि बहुत ज़ोरदार बरसेगा। कल सिर्फ खुला था, धूप निकली थी, वैसे दो तीन दिन बारिश हुई है यहाँ पे, बट आज फिर बहुत तेज बादल है। मैंने कल कपड़े धो लिए थे पहले, और अब देखो लग तो अच्छा रहा है, पर रोज़ रोज़ बारिश भी कपड़े अपने नहीं सूख पाते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। और ये देखो इस सीज़न का पहला खरबूजा हम लोग लेके आए गाइस, और मैं काट के और खा रही हूँ, और बहुत ही टेस्टी है। और अभी महंगे हैं थोड़ी से, अभी सस्ते हो जाएंगे और ज़्यादा आएंगे तो। और गाइस बाहर बूंदे पड़ने लग गई, और मैं फटाफट गई कपड़े उठाने कि गीले ना हो जाएं, क्योंकि अंदर हमारी जगह नहीं है फिर डालने के लिए। दरवाजे के पीछे मैं हैंगर लगा रखी हूँ, इसमें फिर डाल देती हूँ, पर मेरे सूख गए हैं ये कल के कपड़े हैं, तो मैं निकाल रही हूँ फटाफट। और ये गेट में चढ़ के निकालना पड़ता है, इसी तरफ मैं अपने कपड़े डालती हूँ और बस सूख जाते हैं। तो अभी हो रही है बारिश तो मैं उठा लेती हूँ, और अभी बूंदे पड़ रही हैं, और ये देखो अभी बूंदे पड़ रही हैं, पर हाँ गीले हो जाते वो। और मैं फिर चाय बना रही हूँ गाइस, सुबह पूजा वूजा तो कर लेती हूँ, अब नाश्ता करना है मुझे, मेरे हस्बैंड को भी। और मैं बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी, तो अच्छे से ब्राउन फ्राई करूँगी और फिर इसमें मसाला डालूँगी, तो अभी बनाऊँगी। और मैंने देखा तो बाहर तेज़ हो गई है बारिश गाइस, ये देखो ज़मीन धीमी धीमी अब गीली हो गई है, और अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है। और यस यहाँ पे नाश्ता कर रहा है, दोनों ने नाश्ता कर लिया है, अब सपना सफाई कर रही है, बर्तन धो रही है। गाइस हो गया है नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग, और आज यश का इसका स्कूल में मिलना है रिजल्ट, तो आखिरी दिन है, तो ये देगा यश अपने मैम को, बनाया है थैंक्स के लिए मैम को, तो ये देने जाएगा भी यश, और रिजल्ट लेने भी जाएगा। तो ये बनाया है यश ने मैम के लिए, और आज स्कूल में आखिर देने, अब दूसरे स्कूल में जाएगा यश, तो ये मैम को देगा यश। तो यश जा रहा है स्कूल, और यश आज ड्रेस में नहीं जाएगा, आज नॉर्मली पहन के जाना है कपड़े, घर के कपड़े पहन के जाना है, और रिजल्ट लेके आएगा और अपने नंबर दिखाएगा। तो यश जा रहा है। तो कल भी गाइस हमारे यहाँ पे बहुत बारिश हुई है, और फिर उसके चलते मैं वीडियो बना ही नहीं पाई, और आज मैं कंटिन्यू करती हूँ। और यश तो अभी गया है, उसके पापा भी गए स्कूल, तो मैं अभी जा रही हूँ खाना बनाने, फिर इसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मैं स्कूल गया था रिजल्ट लेने, तो वहाँ पर छोटी सी पार्टी थी, तो उनने मुझे ये सामान दिया स्कूल से, ये केक है, ये पार्ले जी, ये कुरकुरे, ये रोज, और एक स्माइली बॉल। नंबर बताओ, नंबर कितने आए हैं? मेरे आए हैं 84% परसेंट। और मैं थर्ड आया हूँ लास्ट में। तो गाइस मैं चद्दर चेंज कर रही हूँ, और आप देख सकते हो हमारे रूम में जगह नहीं है बिल्कुल भी, और लगे हाथ ही बिल्कुल एक किचन है, और इस तरफ भी जगह नहीं निकलने भर को है बाहर जाने के लिए, तो हम लोग बेड में ही बच्चे पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, हम लोग भी बैठते निकलते हैं। और बारिश हो रही है ना, तो मतलब अंदर बाहर करते करते ज़्यादा ही गंदा हो रखा था, तो मैंने सोचा कि चेंज कर दूँ, तो मैं फटाफट चेंज कर लेती हूँ चद्दर। तो गाइस मैंने ये चादर चेंज कर दिया, वैसे तो मैंने दो दिन हुई हुए थे और चेंज किया था, पर बारिश हो रही है ना, तो बारिश की वजह से ये रागेट एक ही रूम है, हम लोग इसी में बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने उसको चेंज कर दिया। यस आराम से लेटा हुआ है, उसके नंबर बहुत अच्छे आए, पर रिजल्ट अभी दिया नहीं है मैम ने, तो जब मिलेगा तो आपको दिखा दूँगी, बस बता दिए उनने कि नंबर अच्छे हैं और थर्ड पोजीशन में है यश, और अब उसका दूसरा स्कूल में अब एडमिशन होगा तो सिक्स में, तो वो करवाऊंगी, अभी 1 अप्रैल से शुरू है तो वो करवाऊंगी, और देखते हैं कौन से सेक्शन में जाता है यश।
अभी लेटा है, नाश्ता कर लिया उसने और लेटा है। मैं जा रही हूँ, बाहर भी बहुत ज़्यादा गंद फैला हुआ है, बारिश होती रही है ना कल, तो बहुत ज़्यादा इधर गंदगी है, तो ये सफाई कर दूँ, धुलाई करनी पड़ेगी, झाड़ू बार से नहीं जाएगा, तो मैं पाइप लगाऊँ और धुलाई करूँ ना। फिर इसके बाद नहा तो लिया था मैंने, पूजा कर लिया था, पर अभी हाथ पैर धोऊंगी, सब ये काम करूँगी ना, और बस इसके बाद आपसे मिलूँ। काम वाम करके मैं फ्री हो गई हूँ। और हमारे घर के बगल में एक पेड़ है, उसमें फल लगे हुए हैं, वो कौन से फल है वो दिखाती हूँ। मुझे पता नहीं था, छोटे छोटे बच्चे और भी लोग खा रहे हैं तोड़ तोड़ के, और हम बगल में रह रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, तो मैं जा रही हूँ, देख रही हूँ कौन से फल है, और खाऊंगी तोड़ूंगी और आपको दिखाऊंगी। और हमारा मुंकू ना काफ़ी देर से मतलब ये छोड़ देते हैं, तो इसी जगह मतलब घूमता रहता है इसी एरिया में ही, और वो काफ़ी देर हो गए उसको आया नहीं, तो उसको भी ढूंढ रही हूँ कि कहाँ पे है मुंकू, तो वो आए नहीं, पता नहीं, वो बच्चों के साथ वैसे घूमता है ना, थोड़ी देर खोल देते हैं कि थोड़ा घूम फिर लेगा, बांध के तो नहीं रख सकते ज़्यादा देर तक, तो वो पता नहीं है मुंकू कहाँ पे है, अभी आएगा तो फिर दिखाऊंगी मुंकू को। अभी तो मैं जा रही हूँ वो फल तोड़ने, दिखाती हूँ। तो ये गाइस पेड़ के पास आए और देखो बच्चे तोड़ रहे हैं ना, खा रहे हैं, पूरा दिन मतलब यहाँ से निकलते चलते हैं लोग, खूब खा रहे थे, और मुझे पता नहीं था कि फल मतलब पक के तैयार हो गए। ये तो पता था कि शहतूत के पेड़ लगा हुआ है, पर ये पता नहीं था कि हाँ इस टाइम अभी पक रहे हैं, लगे हुए हैं, तो मैंने देखा लोग खा रहे थे, और देखो कितने अच्छे नीचे गिरे पड़े हुए हैं, पर ये मिट्टी लग गई इनमें गाइस, तो मैं अभी तोड़ के खाऊंगी। और ये देखो तोड़ तोड़ के खा रही हूँ, और इसमें काले भी हैं, लाल भी हैं, हरे भी हैं, अभी हर तरीके के हैं इसमें, बहुत ही टेस्टी हैं, खट्टे खट्टे हैं, और ये शहतूत है, शहतूत अंगूर की तरह है ये। और ये देख रहे हो गाइस दोनों बंदर की तरह, दोनों बच्चे कैसे चढ़ गए हैं और काले काले तोड़ रहे हैं दोनों बच्चे। तो मैं सर्दी में इधर धूप लेने आती थी, उधर ही है ये पेड़ शहतूत का, तो इसमें है शहतूत, देखो कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, अंगूर की तरह हैं, और अंगूर के भाव मिलते हैं, वो तो पेड़ है यहाँ पे लगे हैं, तो लोग तोड़ तोड़ खा रहे हैं। लाए पन्नी, पन्नी में डालती जाऊँगी और फिर घर लेके जाऊंगी। तो गाइस मेरे हस्बैंड भी आ गए, और ये देखो तोड़वाने लग गए, और दोनों जन हम लोग मिलके तोड़ रहे हैं, और एक पॉलीथीन में रखते जा रहे हैं और लेके जाएंगे। गाइस यहाँ बहुत बड़ा शहतूत का पेड़ है, उसमें बहुत पके शहतूत लगे हैं, वो हम लोग तोड़ रहे हैं। और इधर गाइस देखो मैं और यश दुपट्टा पकड़ के रखे हैं, और हस्बैंड डाली को हिला रहे हैं, और इसमें रंग बिरंगे गिर रहे हैं मतलब ये शहतूत, और फिर यस बीन बीन के फिर रख रहा है, फिर लेके जाएंगे अभी घर। और फिर दूसरी तरफ से भी हस्बैंड ने बुलाया और कि यहाँ पे भी लगाओ दुपट्टा, और मैं यस ने फिर दुपट्टा लगाया, और देखो इतने सारे शहतूत इकट्ठा कर लिए हम लोगों ने, और इसमें पत्ते भी गिर गए हैं, इनको निकाल के फिर लेके जाएंगे घर। तो गाइस हम इतने सारे शहतूत लेके आ गए हैं, और मैं इसे बर्तन में डालूंगी, अभी दिखाऊंगी आपको, हरे भी हैं और वैसे भी हैं, मतलब डार्क ब्लैक हो गए हैं, तो वो बहुत मीठे हैं, और मैं अंदर जाके बर्तन में डाल के आप लोगों को दिखाते हैं। तो घर लेके आ गए हम लोग शहतूत, और देखो ये खा रहे हैं यश भी और यश के पापा भी, देखो काले काले कितने अच्छे हैं, बहुत मीठे हैं, बहुत टेस्टी हैं शहतूत। यस भी खा रहा है, हमारे घर के नज़दीक में ही है, तो ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो गाइस वीडियो बस मैं यहीं तक रखूँगी, और हमारी पूरी वीडियो देखना और लाइक भी करना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।